खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की, जहां भाजपा नेता ने उठाया घटिया निर्माण हो रहे छात्रावास पर आवाज। आपको बता दें कि यह पूरी घटना सिंगरौली जिले के सरई थाना अंतर्गत की बताई जा रही है, जहां भाजपा नेता इम्तियाज खान ने बताया कि खनिज मत के पैसे का दुरुपयोग कर घटिया सामग्री से निर्माण किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता ने संबंधित अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों की जानकारी देने के बाद भी धड़ल्ले से गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य हो रहा है। सरई से संवाददाता विकास सिरवास की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद विकास खान है। जानकारी आपसे जानकारी चाहिए कि जो यहाँ सरई हर्षकंडी परिसर में एक छात्रावास निर्माण कार्य चल रहा है, जानकारी ये मिली थी बहुत घटिया तरीके से निर्माण किया जा रहा है, तो आप मौके पर आके देखे थे तो क्या कुछ जानकारी मिली आपको? मौके पर हमने आया, तमाम लोगों को शिकायत मिली हमारे पास कि भाई साहब वहाँ पर ये स्थिति हो रहा है, वहाँ 1,84,00,000 रुपये का छात्रावास बन रहा है और उस छात्रावास में बहुत घटिया किस्म का काम हो रहा है और यहाँ से ठेकेदार से पूछने पे बोलता है कि हमको, हमारे पास एस्टीमेट नहीं है, पब्लिक को चूतिया बना रहा है, लोगों को चूतिया बना रहा है। इसमें सामग्री भी जैसे छड़ सीमेंट वगैरह है ना, इत्यादि जो सामग्री लगते हैं उसकी भी मात्रा बहुत कम बताई जा रही थी, तो उसमें क्या कहेंगे आप? ये कम तो है ही है, यहाँ बालू के स्थान में राखर मिलाया जा रहा है। हम आज आके खुद चेक किए, यहाँ के लेबरों से भी पूछे, बच्चों से भी पूछे, यहाँ पूरा राखर मिलाया जा रहा है, बालू का सही इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर इस तरह निर्माण कार्य पूरा हो गया इसी सामग्री के हिसाब से तो एक साल में धराशाह हो जाएगा, तो इसमें क्या? धराशाही हो जाने के अलावा यहाँ तो बच्चे रहेंगे, आदिवासी लोग बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहेंगे, इनका क्या जगह? तो ठेकेदार अपना पैसा लेके चले गए, मरने वाले तो यहाँ के शिक्षक है, यहाँ के लोग मरेंगे बेचारे, बेसहारा हो जाएंगे, अपने बच्चों को खो देंगे, यही है। तो इस निर्माण कार्य के लेकर अधिकारियों से आप क्या कहना, क्या संदेश देना चाहेंगे? अधिकारी कर्मचारी से मेरा निवेदन है, माननीय कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि इसकी जांच की जाए और पूरा सच्चाई के साथ जो भी लागत इसमें लगा है उस पर काम किया जाए और नहीं तो सरई